हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे डॉग की कहानी जिसने यूएस के साथ मिलकर जर्मन्स का बहादुरी से मुकाबला। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो मूवी शुरू होती है यूएस की एक सिटी से और हम एक डॉग को देखते हैं जो कि बहुत भूखा होता है। वो खाने के लिए ढूंढ रहा होता है लेकिन दुकान का ऑनर आके उसे भगा देता है। उसे एक हड्डी पड़ी मिलती है, वो उसे उठाकर भागने लगता है लेकिन भागते वक्त वो किसी तरह से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसकी हड्डी कहीं भीड़ में गुम हो जाती है। तभी एक सोल्जर प्यार से उसे एक बिस्किट देता है। ये देखकर वो डॉग बहुत खुश हो जाता है और उसके पीछे पीछे भी जाता है। तभी हमें पता चलता है कि 1917 में यूएसबी वो ही शामिल हो गया था जहाँ कुछ सोल्जर पहले से ही जर्मनी से लड़ रहे थे और इसीलिए ही सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब हम देखते हैं कि सारे सोल्जर कैंप में जा रहे हैं और वो डॉग भी किसी तरह से अंदर चला जाता है। वो सीधा एक किचन में पहुंचता है जहां एक आदमी उसे भगा देता है और वो भागता हुआ सीधा रॉबर्ट तक पहुंचता है। वो उससे कहता है कि मेरे पास खाने के लिए अब कुछ नहीं है लेकिन वो डॉग तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। वहाँ का सर्जन भी ये सब नोटिस कर रहा था और रॉबर्ट से कहता है कि ट्रेनिंग के बाद इसे कुछ खाना दे देना। जहाँ बावर्ची उसे खाना देता है वहीं उसके दोस्त कह रहे थे कि सर्जन एक अच्छा आदमी है लेकिन अगर उसने इसे यहाँ देख लिया तो वो उसे भगा देगा। अगले दिन हम सारे सोल्जर को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और वो डॉग भी उनके साथ शामिल हो जाता है। वहीं वो नोटिस करता है कि इसे तो गन की आवाजों से तो डर ही नहीं लगता। उसे लगता है कि ये डॉग खास है। अब रात को रॉबर्ट उसका नाम रखता है स्टबी और उसे कहना मानने की ट्रेनिंग भी देने लगता है। अब अगले दिन वो देखता है कि रॉबर्ट के साथ वो भी सल्यूट कर रहा है। वो ये देखकर बहुत खुश होता है और उसे कैंप में रहने की परमिशन भी दे देता है और स्टबी सबसे बहुत जल्द मिलजुल जाता है। और फाइनली वो दिन भी आ ही जाता है कि सारे सोल्जर्स लड़ाई के लिए जाने वाले हैं। कर्नल सबको गुड बाय बोलता है और कहता है कि ये स्टबी यहीं रहेगा। लेकिन ये बात सुनकर तो रॉबर्ट उदास हो जाता है और उससे कहता है कि लड़ाई से वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा और वो उसे बांधकर बाबरची के हवाले कर देता है। फिर गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद स्टबी अपनी रस्सी को खोलकर बाहर आ जाता है और वो उनका पीछा करते हुए स्टेशन तक पहुँच जाता है और सारे सोल्जर से छिपते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है और वो रॉबर्ट को ढूंढने लगता है और वो किसी तरह से रॉबर्ट तक पहुँच ही जाता है। रॉबर्ट उसे देखकर तो हैरान ही रह जाता है। तभी उसके दोस्त बताते हैं कि अगर किसी ने इसको यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और वो तीनों से छिपाने ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ जंगल आ जाता है। वो उनसे स्टबी के बारे में पूछता है। तभी वो देखता है कि वो तो उसे सल्यूट कर रहा है। यहाँ तक कि स्टबी उनकी छड़ी भी उठाकर देता है और उन्हें भी लगता है कि ये इनके काम आ सकता है। तो अब वो लोग फ्रांस पहुँचते हैं और जल्द ही उनका सामना जर्मन्स के हमलों से होता है। और स्टबी तो बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि वो घायल सोल्जर्स को बाहर निकालता है। ये देखकर सबको उससे प्यार होने लगता है। अब रॉबर्ट को एक पार्टनर मिलता है और उनमें भी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और अब वो लोग एक गांव से गुजरते हैं तो अब रात को वो लोग वहीं आराम करते हैं और अगले दिन वो जर्मन सैनिकों को देखते हैं जो कि जंगल गैस से अटैक करने वाले थे, इसीलिए वो तुरंत कैंप की ओर निकल जाते हैं। तभी स्टबी देखता है कि वो तो रॉबर्ट को शूट करने वाला है, इसीलिए ही वो उसको धक्का देकर रॉबर्ट की जान बचा लेता है। लेकिन उन्हें लगता है कि उनका यहाँ से निकलना मुश्किल है, इसीलिए रॉबर्ट मास्क का इशारा करता है और स्टबी तुरंत कैप में जाके एक मास्क बाहर निकालता है और सारे सोल्जर भी ये समझ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है लेकिन जहरीले गैस की चपेट में तो एक गाँव भी आने वाला है। तो स्टबी जल्दी से जाके गांव में चिल्लाने लगता है। गांव वाले उसे ऐसा करते हुए हैरान होते हैं लेकिन तभी उनकी नज़र भी गैस पे पड़ती है तो वो सब मास्क लगा के अंदर बंद हो जाते हैं। तभी वहां रॉबर्ट और उसका दोस्त आके एक घर में उसे ले जाते हैं और उसके मुंह पे भी एक कपड़ा डाल देते हैं और स्टबी की वजह से तो सारे लोगों की जान बच गई, जिससे लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। और वहाँ की एक लड़की उन्हें जॉकेट देती है और कैप्टन भी उसे एक खास मार्क्स देता है। अब उन्हें पता चलता है कि वो सारे फेस टू फेस लड़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि वो सारे लड़ रहे हैं जहाँ स्टबी बड़ी ही चालाकी से कुछ जर्मन्स को पकड़ा देता है और यहाँ तक कि वो बॉम्ब से भी बचाता है।
लेकिन ऐसा करने की वजह से वो घायल हो जाता है। तो रॉबर्ट तुरंत उसे एक कैब में लेके जाता है और डॉक्टर उसे घायल लोगों के साथ डाल देता है। अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट उसे बहुत मिस कर रहा है और इसी वजह से उसका लड़ाई में मन भी नहीं लग रहा। अब उसकी बहन का लेटर आता है जिससे उसे पता चलता है कि कई हफ्तों से तो स्टबी की कोई खबर नहीं मिली और जल्द ही वो भी बीमार हो जाता है। अब डॉक्टर बताती है कि रॉबर्ट का बचना मुश्किल है। यहाँ हम स्टबी को देखते हैं जिसका पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो रॉबर्ट को ढूंढ रहा है और उसकी हालत ज्यादा खराब होने की वजह से वो एक जगह तो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार वो किसी तरह से रॉबर्ट तक पहुंच ही जाता है। अब स्टबी को देखकर तो रॉबर्ट बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब तो रॉबर्ट के लिए कुछ दिनों के लिए छुट्टी भी मिल गई थी और वो दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्टबी ने बड़ी ही चालाकी से एक जासूस को पकड़वा दिया। अब जनरल सबको बताता है कि स्टबी को अब सार्जेंट के नाम से जाना जाएगा और वो सब एक साथ फोटो भी खिंचाते हैं और अब वो सब मिलकर जर्मन्स को पीछे हटने पे मजबूर कर देते हैं। और आज रातों सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि फाइनली वो अब अपने अपने घर जाने वाले हैं। अगले दिन सुबह 9 बजते ही बचे हुए सोल्जर में लड़ाई होती है। वहाँ रॉबर्ट देखता है कि उसका दोस्त अकेले ही आगे जा रहा है और उसके पीछे जाने पर उन्हें पता चलता है कि उसे तो जर्मन्स ने घेर लिया है और अब वो लोग किसी तरह से उसे भी बचा लेते हैं और अब वो लोग अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बाकी सभी की तरह ही स्टबी का स्वागत हो रहा है, जिससे तो स्टबी बहुत खुश होता है और वो अपना फोटो भी खिंचवाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये बहादुर डॉग की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।